हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिए, हमारी सीरीज चल रही है मीनिंग्स की, जो इम्पोर्टेंट मीनिंग्स होती हैं उनकी लिस्ट है ये। तो हम आज यहाँ वेजिटेबल्स सब्जियों के नाम बता रहे हैं इंग्लिश में मैं पिक्चर के। तो वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। इंग्लिश स्पोकन के लिए अति महत्वपूर्ण मीनिंग होती हैं। देखिए, TOMATO टमाटो कहते हैं टमाटर के लिए, जैसे लाल लाल टमाटर देख रहे हैं। और नेक्स्ट चलते हैं, चलिए ऑनियन। ऑनियन माने प्याज होती है, ये भी जो है एक तरह से काम आती है सब्जी में, सब्जी बनती है सब्जी में डालते भी हैं, मसाला भी है, दोनों मानी जाती है। और नेक्स्ट है पोटैटो। पोटैटो मीन्स होता आलू। आलू देखो कितने लंबा रखा है ये आलू, और गोल गोल भी होते हैं। लोग कई तरह के आलू होते हैं, क्वालिटीज़ की बहुत सारी होती हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, पोटैटो पोटैटो आलू आलू। नेक्स्ट है टर्निप। सलगम सलगम सलजम बोलते हैं वैसे गांव में, सलगम ही सलगम सलगम करते रहते हैं। सलजम शुद्ध मीनिंग है, टर्निप टर्निप सलगम। वाइट गूज फूड बथुआ बथुआ, वाइट गूज फूड बथुआ के लिए कहते हैं। बथुआ की मीनिंग का देखा होगा तुमने बथुआ। देखिए, इस टाइप की मीनिंग ना तो कोई टीचर बता पाते हैं, बहुत मैंने कम देखा है बताते हुए। टीचिंग के समय आ जाती है तो बता देते हैं, लिस्ट में भी बहुत सी जगह नहीं है कब बथुआ है जाते तो यूज होता है। चलिए नेक्स्ट, टर्मेरिक कहते हैं हल्दी। एक सब्जी के रूप में ही प्रयोग होती है, जब सब्जी में डाली जाती है, एक जो मसाला के रूप में भी जानी जाती है और सब्जी के रूप में भी जानी जाती है। चलिए स्वीट पोटैटो शकरकंद स्वीट पोटैटो। पालू आलू होता है पोटैटो, और स्वीट माने शकरकंद, यानी स्वीट शकरकंद मतलब है मीठी। स्प्रिंग ऑनियन कहते हैं हरा प्याज की, हरे प्याज की। आपने ऑनियन ऑनियन की तो पड़ी होगी, मगर हरे प्याज जब बोल देते हैं तो ज़्यादातर बिकती है मार्केट में हरा प्याज। ऑनियन उन्हें ग्रीन ऑनियन, ग्रीन ऑनियन बोल सकते हैं इसको, स्प्रिंग ऑनियन भी बोल सकते हैं। चलिए स्पाइनेक्सी बोल देते हैं इसको, जैसे स्पिनेच उच्चारण में पालक स्पिनिच स्पाइनेच बोल लेते हैं बहुत से। पालक तो देखा होगा आपने स्पिनिच के बारे में, पालक भी एक जो है इसकी सब्जी बनती है। स्नो गॉड कहते हैं चिचड़ा ये भी एक सब्जी होती है। पंपकिन घिया कद्दू लौकी तुरई आदि, कई चीज़ की मीनिंग है इसकी। पंपकिन माने लौकी कद्दू तुरई आदि की मीनिंग में इसको प्रयोग किया। घिया भी बोल देते हैं गाँव में, कद्दू बोल देते हैं, और बहुत से काशी फली बोल देते हैं। कई मीनिंगों में हैं इसकी, वैसे सबकी मीनिंग एक ही है काशी फल। गार्लिक लहसुन होती है, लहसुन तो नहीं कहते गांव में, बोलते लहसुन ही बोल देते हैं, लहसुन लिए लहसुन। लहसुन शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट है फेनुग्रीक, हरी मेथी होती है, देखा होगा तुमने मेथी। फेनुग्रीक लीफ मेथी। जिंजर अदरक होती है जिंजर। और ग्रीन चिल्ली हरी मिर्च बोल देते हैं। ग्रीन बीन्स हरी सेम बोल देते हैं, सेम की फली के भी बोल देते हैं इसको। नेक्स्ट रेडिश मूली होती है, मूली। जैक फ्रूट कटहल होता है जैक फ्रूट। लेडी फिंगर भिंडी होती है। देखिए लेडी फिंगर नहीं है, लेडीज फिंगर है, अपोस्ट्रोफी एस इसमें रह गया है लगने से, LADY अपोस्ट्रोफी एस और फिंगर। लेडीज फिंगर भिंडी। मजरूम कुंभी खुकड़ी मजरूम होता है, ये भी देखो किस तरह का होता है। मेजबान मक्का होती है, भुंटे के लिए भी आ जाता है ये मेज मक्का। पॉपकॉर्न जैसे बोलते हैं बहुत से उसको, मक्के की खिल है। नेटल प्लम करौंदा। देखिए करौंदा होता है, करौंदे की सब्जी खाते हैं, वैसे खट्टा होता है काफ़ी, देख रहे हैं मैं बड़ा भी करके दिखा देता हूँ। देखिए ये उतर रहा है करौंदा बोलते हैं इसको, करौंदा है बस गाँव में, करौंदा ही बोलते हैं। मस्टर्ड ग्रीन्स सरसों के पत्ते होते हैं, मस्टर्ड माने सरसों होती है, ग्रीन्स माने तरकारी के रूप में प्रयोग होती है, ग्रीन्स माने तरकारियाँ भी होती हैं। पॉइंटेड गाउट होता है परवल सभी ने खाए होंगे सब्जी का। पिपरमंट पुदीना। और एक पिपरमंट मेंथे को बोल देते हैं बहुत से गाँव में, पिपरमंट ही बोलते हैं वैसे से। पुदीना मिंट माने पुदीना भी होता है, मिंट। और रिज्ड गॉर्ड होता है तुरी झींगी,
तुरई 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 क्या करके एक होती है ये। नेक्स्ट रेड चिली लाल मिर्च होती है, पीज मटर होती है, और ये करी लीफ कड़ी पत्ता होता है, कुकुम्बर खीरा होता है, कुकुम्बर कॉर्न माने मक्का होती है, कॉर्न 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 मक्का मक्का मक्का, कोरिएंडर लीफ धनिया की पत्ती होती है, कोरिएंडर में धनिया ही होता है, और लीफ क्लस्टर बीन्स गवार फली होती है, ये भी देख रहे हैं, और चिली मिर्च होती है, मिर्च के लिए चिक पीज ग्राम चना कह देते हैं, देखिए चिक पीज और ग्राम ग्राम माने चना होता है, ग्राम ग्राम ग्राम। सिल्ली आजमौदा होती है, आजमौदा आजमौदा आदमी सिल्ली। जैसे काली फ्लावर फूल गोभी कैरेट गाजर होती है, कैप्सिकम शिमला मिर्च होती है, बड़ी मिर्च देखते हैं अचार की मिर्च भी कह सकते हैं, कैबेज पत्ता गोभी ब्रिंजल बैंगन है, बोतल गॉर्ड लौकी कद्दू घिया है, एक ये बात है, ब्लैक पेपर काली मिर्च है देखते देख रहे हैं, बिटर गॉर्ड करेला है, बेल पेपर शिमला मिर्च है, बिटर गॉर्ड इसे कहते हैं, बिटर माने कड़वा, गॉर्ड माने करेला, तो एक कड़वा होता है इसलिए इसकी मीनिंग को बिटर गॉर्ड कहा गया है। बेल पेपर शिमला मिर्च बीट रूट चुकंदर ओवरजाइन बैंगन ब्रिंजल माने बैंगन भी होता है देखे, और ये भी है आर्टिचौक होते चुकंदर के बारे में है, मीनिंग ब्रांगे हाथी चक एक तरह का चुकंदर ही होता है, ये अरारूट सिसुमल, और ये है अमरनाथ चौड़ाई की सब्जी होती है। नेक्स्ट ईवा बीन्स बांकला 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 सेम की फली, एग प्लांट बैंगन है, ब्रिंजल भी बैंगन और वाइट एग प्लांट है, सफ़ेद बैंगन होता है, और यह है टेंडली कुंदरू कोकसिया काजू कचालू आज कांदा काफ़ी शब्द हैं, रेड गैवे लाल पत्ता गोभी है, रा पपैया कच्चा पपीता है, रा बनाना कच्चा केला है, जिसको कच्चा करना रा लगा दो, सर रा बनाना फ्लावर केले के फूल हैं। नेक्स्ट नेटल प्लम करौंदा नेटल प्लम बनसकन आ गई है, मीनिंग माउस मेलन कचरी होती है। नेक्स्ट देखिए कोलरावी गांठ गोभी, नेक्स्ट किडनी बीन्स राजमा राजमा राजमा, इंडियन गूसबेरी आंवला होता है, आंवला आंवला मर मायरोबेलम भी बोलते हैं, सर फैनल हरस होया हरा से एलिफेंट फूट जिमीकंद होता है, याम भी बोल देते हैं उसको, ड्रम स्टिक मोरिंगा मूंग। नेक्स्ट है क्यूकमिंस उजिलस ककड़ी, नेक्स्ट कोकसिया अरबी पेक्सी, ब्रोकोली हरी गोभी होती है, ऐसे देख रहे हैं तो हमने देखा होगा मार्केट में आते, बेम्बू बेम्बू सूट बांस के कोपला करील होती है, एस गॉड पेठा पेठा पेठा, एप्पल गॉड टिंडा टिंडा टिंडा, अमरनाथ अमरांत हरी चौलाई होती है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट वीडियो में फ्रूट नेम बताएंगे, हमने वेजिटेबल्स के अधिक से अधिक नाम बताए हैं, कोई सी भी मैं समझता हूँ जो फेमस वेजिटेबल्स है उसमें कोई छूटी नहीं है, तो इसको बार बार वीडियो को देख लें, रोक रोक कर देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।